हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू योर चैनल श्याम ब्लॉग। और आज फिर से एक नई अनबॉक्सिंग कर रहे हैं जो कि अमेजोन से बुक परचेज की है फिर से। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के से है। और चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग मैंने कर दी है और कट करने के बाद जो बुक है वो निकाल लेंगे इसमें से। ये है हमारे पास रिच डैड एंड पुअर डैड हिंदी में, और कोई मटेरियल नहीं आया है तो इसको रख देते हैं। तो ये है रिच डैड एंड पुअर डैड बुक, 250 रुपये है। और कब का पब्लिकेशन है ये इसका देख सकते हैं आप, ये मंजुल पब्लिकेशन की है। और पब्लिकेशन फ्रेंड्स 2018 का पब्लिकेशन है इसका। टोटल पेज किसके हैं ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। होलोग्राम ही इसकी ओरिजिनल की गारंटी है, ये बुक ओरिजिनल है, पायरेटेड बुक नहीं है। और टोटल 240 पेज के करीब की है बुक। और फाइनेंशियल बुक है यहाँ पे दे रखा है, पर्सनल फाइनेंस या आपको जो फाइनेंस की जो है नॉलेज देता है बुक में। और बुक की प्राइस की बात की जाए तो ये बुक मुझे फ्रेंड्स 154 रुपये की पड़ी है, 134 प्राइस और 24 रुपये शिपिंग। मार्केट में थोड़ी आपको ये कॉस्टली बुक मिल सकती है। और चलिए अब इसके बारे में थोड़े बता देते हैं। ये समर्पण है, किसको किया है? पुस्तक सभी माता पिताओं को समर्पित, क्योंकि वे अपने बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं। इसका इंडेक्स है हिंदी में बुक। और टोटल इसमें 10 चैप्टर है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से बुक दी गई है। और इसकी प्रस्तावना है, बुक बहुत अच्छी है और फाइनेंस की जो फील्ड में ये सबसे बेस्ट बुक है। ये बेसिक बुक है फाइनेंस के फील्ड में, ये बुक मतलब ज़रूर लानी चाहिए हमें। तो ये है पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए ये फिर से। तो इस तरीके से बुक है। और देखा जाए तो पेज इसके कुछ इस तरीके से हैं, थिकनेस ठीक है। अगर कंपैरिजन करें तो ये बुक की जो लेंथ है हमें 722 सेंटीमीटर की बुक है और 15 सेंटीमीटर की थिकनेस है। इसकी विड्थ की बात की जाए तो 2 सेंटीमीटर की विड्थ है, ओके। और कंपैरिजन करें हम इससे, तो इससे थोड़ी ये देख लीजिए इतनी बुक है थिकनेस। और फ्रेंड्स बात की जाए इस बुक की तो ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। और ये बुक लाइफ में एक बार तो ज़रूर ही पढ़ना चाहिए ताकि इससे हमें नॉलेज मिल सके कि कैसे हमें वर्क करना है अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग, पैसे कमाने के लिए क्या क्या हमें है बचत करनी चाहिए। या फिर इसमें ये एक और चीज़ बताया जा रहा है कि पैसों के लिए काम करना नहीं चाहिए और पैसे हमारे लिए काम करें, कुछ इस तरीके से हमें बढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही बुक थी। और चलिए फ्रेंड्स, आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से अच्छे वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।